बेटा तुम किसी और को देखने के लिए लोगों के घरों पर टीवी देखने जाते हो, अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लोग तुम्हें टीवी पर देखें। दोस्तों यही वह लाइन थी जिसने एक बेहद ही गरीब परिवार के बच्चे को टेलीविजन का जाना माना चेहरा बना दिया। मैं बात कर रहा हूं इंडिया टीवी के चेयरमैन और चीफ एडिटर रजत शर्मा की, जिनका शो आपकी अदालत आज कई दशकों से बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस शो में उनके प्रश्न पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि उनके हर सवाल का जवाब भी मिल जाए और कोई बुरा भी ना माने। लेकिन दोस्तों आज इतने प्रसिद्ध हो चुके रजत शर्मा के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जिन्होंने बेहद ही गरीबी में अपना जीवन बिताया। एक कमरे के छोटे से मकान में अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ उन्होंने गुजारा किया और रेलवे स्टेशन की लाइट में उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि वह सफलता ही क्या जो बिना संघर्ष के मिल जाए। जो लोग अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल करते हैं वह अपनी लाइफ में उतना ही आगे जाते हैं। तो दोस्तों रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था। वे अपने माता पिता, 5 भाई और 1 बहन के साथ पुरानी दिल्ली के सब्जी मंडी के पास एक छोटे से मकान में रहते थे। और दोस्तों उसे मकान ना कहा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि दरअसल वह 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जहां पर 9 लोग सो भी नहीं पाते थे, इसीलिए एक के ऊपर एक तख्त लगाकर सोना पड़ता था। ना तो नहाने के लिए पानी मिलता और ना ही बिजली की व्यवस्था, इसीलिए नहाने के लिए उन्हें म्युनिसिपैलिटी के नल पर जाना पड़ता था और रात में पढ़ाई के लिए वे स्टेशन चले जाते। लेकिन रजत हमेशा से पढ़ाई में अच्छे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना है तो इसका एक ही उपाय है, पढ़ाई करना, जिससे कि आगे चलकर उन्हें अच्छी सी जॉब मिल सके। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक म्युनिसिपैलिटी स्कूल सनातन धर्म स्कूल से करी। और दोस्तों उस टाइम बहुत ही कम लोगों के पास टीवी हुआ करती थी, और जाहिर सी बात है कि रजत का गरीब परिवार भी टीवी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए रजत अक्सर अपने पड़ोसी के वहां टीवी देखने जाया करते थे। लेकिन एक दिन रजत जब शहीद मूवी देखने अपने पड़ोसी के वहां गए तो उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया। रजत निराश होकर अपने घर वापस आ गए और यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई। तभी उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम किसी और को देखने के लिए लोगों के घरों में टीवी देखने जाते हो, लेकिन अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि लोग तुम्हें टीवी पर देखें। बस फिर क्या था, यह बात रजत ने अपने मन में ठान ली कि वे कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। आगे चलकर रजत ने करोल बाग के रामजस स्कूल में पढ़ाई करी, जहां पर वे पैदल ही जाया करते थे। लेकिन जब कॉलेज में पढ़ाई की बारी आई तो उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे कि वे अपना फी भर सके। तभी उनके सीनियर अरुण जेटली ने उनकी हेल्प करी और रजत ने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों जिस अरुण जेटली की मैं बात कर रहा हूँ वे मौजूदा समय में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और कुछ इसी तरह से रजत ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी, और साथ ही वे अपने कॉलेज के दौरान ही जेपी मूवमेंट से भी जुड़े थे, जिस वजह से इमरजेंसी लगने के बाद उन्हें कुछ महीने तिहाड़ जेल में भी बितानी पड़ी। हालांकि कॉलेज कंप्लीट हो जाने के बाद वे जॉब की तलाश में लग गए, और तभी उनकी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट जनार्दन ठाकुर से, जिन्होंने उसी समय एबीपी यानी आनंद बाजार पत्रिका छोड़ी थी और एक सिंडिकेट कॉलम लिखने की तैयारी कर रहे थे। जनार्दन ने रजत को एक रिसर्चर के तौर पर हायर कर लिया और उन्हें 400 रुपये हर महीने की सैलरी देने लगे। तभी रजत ने उनके लिए रिसर्च किए हुए कुछ टॉपिक को यूज करने के लिए उनसे परमिशन मांगी, और फिर उन इन्फॉर्मेशंस के जरिए उन्होंने ऑन लुकर के लिए अपनी पहली स्टोरी लिखी, जिसके लिए उन्हें कुल 300 रुपये मिले और उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में और भी बढ़ गया। आगे चलकर 1982 में रजत ने ऑन लुकर ही ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन 2 साल के अंदर ही अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वे ब्यूरो चीफ बन गए, और कुछ इस तरह से अब धीरे धीरे रजत की लाइफ पटरी पर लौट चुकी थी। लेकिन रजत के लाइफ में सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट 1992 में आई, जब दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में उनके कॉलेज फ्रेंड गुलशन ग्रोवर ने उन्हें जी नेटवर्क के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से मिलाया। तभी सुभाष से बातचीत के दौरान उनके दिमाग में अदालत की तरह इंटरव्यू लेने का आइडिया आया। हालांकि रजत प्रिंट मीडिया में तो बहुत सारे काम कर चुके थे, लेकिन टीवी में काम करना उनके लिए बिल्कुल ही नया था। लेकिन उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया
और फिर 14 मार्च 1993 को आपकी अदालत का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव गेस्ट थे और उस समय उनकी प्रसिद्धि चरम पर थी। यहीं से धीरे धीरे करके यह शो इतना पॉपुलर हुआ कि रजत एक स्टार बन गए और फिर आगे चलकर 2004 में उन्होंने खुद का न्यूज चैनल शुरू किया। हालांकि शुरुआती दिन उनके लिए अच्छे नहीं रहे, यहां तक कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ी। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाने के बाद इंडिया टीवी बहुत ही जल्द देश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल्स में शामिल हो गई और रजत शर्मा ने भी आपकी अदालत शो अपने चैनल पर शिफ्ट कर लिया था। 2015 में उन्हें भारत सरकार ने शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रजत शर्मा की लाइफ स्टोरी जानकर आपको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी। और दोस्तों, लाइव हिंदी चैनल का एंड्रॉयड ऐप अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे लोगों के बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगे, जिसे आप आर्टिकल के रूप में पढ़ सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप भी हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं और हम आपके टॉपिक के रेडी हो जाने के बाद आपके उस टॉपिक के वीडियो को आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का काम करेंगे। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बार बार अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल किए रहिए और जैसे ही कोई नई वीडियो या फिर आर्टिकल अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूजर हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।